ऐसा टाइटल है सस्पेंस, तो नेचुरली फिल्म सस्पेंस थ्रिलर ही होगी, तो सस्पेंस थ्रिलर ही है। और आज जो शूट किया बात कर रहे हैं, ये एक प्रमोशनल सॉन्ग है जो फिल्म के बेसिकली प्रमोशन के लिए हम लोगों ने बनाया है, और उसी का शूटिंग यहाँ पर हो रही है। आपके आजू बाजू में दो खूबसूरत हीरोइन बैठी हुई, बताइए कैसे कास्ट किया, क्या क्वालिटीज नजर आई दोनों में, आप एक एक करके बताइए, क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? बड़ा मुश्किल है बताना, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि कास्टिंग का क्या रीज़न है। तो दोनों पहली तो क्वालिटी साफ नज़र आती है, दोनों खूबसूरत हैं, तो खूबसूरत लड़की फिल्मों में पब्लिक देखना पसंद करती है। सर सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा किसी की तारीफ कर दो तो कोई गुस्सा हो जाए, नहीं नहीं वो तो खैर गुस्सा तो होती है बाद में, तो पहला रीज़न तो ये है। बाकी उसके बाद जो दोनों में किया है मैंने, वो बेसिकली उनका एक्टिंग मेन है, लुक ब्यूटी एंड एक्टिंग, तीनों ही चीज़ें थी कैरेक्टर के हिसाब से, वही देखते हुए लोगों को कास्ट किया है मैंने। बेसिकली इसमें विक्रम शर्मा है मेन, उन्होंने जय विक्रम को संकट मोचन हनुमान वगैरह काफ़ी सीरियस किए हैं। अंतरा बनर्जी हैं जो अभी कहानी घर घर की टूर में बिजी है, इसलिए इस गाने में नहीं आ रही, वो हैं। मधु हैं जिसने भी काफ़ी सीरियल्स किए, मधु का विश्वास और मेरे घर जो बैठी है आयुषी, इन्होंने भी काफ़ी फिल्में की हैं, तो बहुत ज़्यादा नोन तो नहीं कह सकता कि नोन है, नोन तो आदमी धीरे धीरे ही बनता है, अगर फिल्में आएंगी तो सात आठ फिल्मों में जाके आदमी कहीं नोन बनता है, एक दो फिल्मों से कोई नोन नहीं। मधुमिता जी आप बताइए कि क्या करना चाहेंगे इस म्यूजिक पे, कैसा अनुभव लग रहा है और क्या वोट दे कर दीजिए, बताइए कि बहुत पहले तो मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आ रहा है, आज प्रमोशनल सॉन्ग है उसके लिए हम शूट कर रहे हैं, आइए हमारे हीरो भी बीच में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसके लिए। और ये है विक्रम जी जो मूवी में मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो हाँ सस्पेंस थ्रिलर है और आज हम प्रमोशनल सॉन्ग कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है अभी सर के साथ काम करने में, विक्रम जी के साथ काम करने में। नहीं डेब्यू फिल्म में सर बिलीव करते हैं फ्रेशर्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए। अच्छा आप बताइए आपने पहले भी काम किया है फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे ये फिल्म कितना लगा आपके लिए, कैसे काम कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार, और एक्चुअली मैं इस मूवी में सिर्फ सॉन्ग कर रही हूँ, तो सॉन्ग करके मुझे बहुत मज़ा आया, और आजकल जैसा आप लोग देखते हैं सॉन्ग में इस टाइप के सॉन्ग ज़्यादा चलते हैं, पार्टी सॉन्ग मीन्स थोड़ा सा इन्जॉय कर सके पब्लिक, उस हिसाब से सॉन्ग करके मुझे बहुत मज़ा आया। और जैसा मैंने स्टोरी सुना, जैसा मनु ने बताया कि स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं थ्रिलर होती है, उससे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी, और गाने तो सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। भोजपुरी भी कर रहे हैं, हिंदी भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी कम ऐसे हीरोइन जो भोजपुरी करती है और हिंदी करती है, तो क्या कहना चाहते हैं, कितना ज़्यादा वो अनुभव अच्छा लग रहा है दोनों लैंग्वेज में आपको? लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, चाहे वो साउथ की हो, मैं तो साउथ की मूवी भी की हूँ, साउथ की हूँ, गुजराती भी की हूँ और हिंदी भी करती हूँ, और अगर स्टार कास्ट ठीक ठाक रहे तो फिर मैं भोजपुरी में भी कर लेती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, मेन तो ऐसा नहीं है कि अगर भोजपुरी है या मराठी है तो थोड़ा एक्टिंग कम करेंगे, तो मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि काम करते रहना चाहिए, अगर आप काम करते रहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे पास जब भी अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं मैं कर लेती हूँ। मैं हर प्रोजेक्ट में उत्साहित रहता हूँ, मतलब ऐसा रहता हूँ जब पहला मेरा जन्म बच्चा धरती पे आता है तो जो चीज़ देखता है उत्साहित रहता है, वैसे ही है, बट डिफरेंट है रोल। और आजकल क्या है, स्टोरी वो हीरो हो गई है, हीरो हीरो नहीं रहा, पहले एक जमाना था कि हीरो की फिल्म आ रही है, आपकी स्टोरी हीरो हो गई, तो उसकी स्टोरी की हीरो है और उसमें हमारे सबके अलग अलग पात्र हैं जो निभा रहे हैं, काफ़ी शेड्स हैं एज एक्टर या पहली पिक्चर में आपको जैसे चाहिए होता है नहीं मिलता वैसे, पर मिल गया अलग बाई चांस अजय जी के उसमें मिल गया रोल, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ, बट वेरी गुड रोल, शेड्स हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एग्रेशन है, एक्शन है, सब कुछ है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें करने को मिली और उम्मीद करता रहूँ तो अच्छी लगेगी। और थ्रिलर फिल्म में सस्पेंस जैसे कि नाम है, तो क्या विषय क्या क्या कहने की कोशिश है इस फिल्म के माध्यम से? देखिए नाम ही इसका सस्पेंस है, तो डेफिनेटली सस्पेंस तो होगा ही होगा इसमें, और एक कल्पना के ऊपर स्टोरी है कि जो आदमी का दिमाग क्या सोच सकता है और क्या हो सकता है,
तो वैसा कुछ स्टोरी है, अभी मैं बता दूंगा तो मजा उसका चला जाएगा। और फिल्म में एक खूबसूरत वाइफ आपको मधुमिता जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, मधु काफ़ी खूबसूरत हैं और अच्छे अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और इनके मरने पर मैं रोया भी बहुत हूँ। हमने तो मूवी बता दी, मुझे तो मालूम है। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है आप दोनों पर? अच्छा लगा, हम लोग काम में मजा आया, अच्छा लगा। आयुषी का क्या कहना है? अभी आई है सॉन्ग में, काफ़ी एनर्जी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा डांस वांस कर रही हैं और इनकी कंपनी भी हम लोग पर काफ़ी जोर से डांस कर रहे हैं हम लोग। आप दूसरे जन सॉन्ग में क्या कहना है? ऑब्वियसली एज ए लीड कर रहे हैं तो, और टैलेंट भी है, अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, जैसे हमने एक सॉन्ग किया सिर्फ, पहले हम कभी नहीं मिले थे, बट होता है ना कि एटीट्यूड इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं लगा, मुझे कंफर्टेबल लगा काम करने में और ऐसे ही होना चाहिए। एक आर्टिस्ट को क्या होता है, कोई भी एक्टर को आप कंफर्टेबल कराते हो तो काम करने में ईजी रहता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर सारे लोग अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं स्पीचलेस हो रही हूँ एक्चुअली। oh <my God. laughs> क्या बोलूँ अभी इनकी तारीफ में, क्या करूँ? नहीं नहीं, गुजारी तारीफ हो रही, मेरे को तो ऐसा नहीं है, बट क्या है कि मतलब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, अच्छे से काम हो रहा है और काफ़ी फ्रेंडली काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे फिरोज साहब आजे जाते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और सेट पर वैसा माहौल नहीं रहता है, काफ़ी फ्रेंडली माहौल रहता है और काफ़ी एक्ट्रेस को लिबर्टी देते हैं कि आप करिए अपने हिसाब से, अगर उनको कुछ उसमें मोल्ड करना होता है कुछ, नहीं मुझे ऐसा चाहिए स्क्रिप्ट का वर्डे तो बताते हैं। इज वेरी गुड, इज़ वेरी गुड। देखिए आप, मैंने आपसे कहा कि आज का सब्जेक्ट है स्टोरी है, अभी रिसेंटली स्त्री आई है, क्योंकि बहुत सिंपल सी स्टोरी है, तो क्या है ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ, स्टार कास्ट नहीं है, हो जाएगी, हर आदमी स्टार बनने के लिए इस लाइन में आया है, हो जाएगी, बट स्टोरी बहुत अच्छी है। आपको जो स्टोरी नामक हीरो है, सस्पेंस, वो आपको अच्छा लगेगा। पब्लिक इसलिए जाएगी इस मूवी को देखने, क्योंकि पब्लिक सारे आजकल इतने टेंशन में होते हैं लोग कि उनको लगता है कि थोड़ा कुछ ऐसा टाइम बिताएं जिसमें इंटरटेन हो, तो मूवी में सारी चीज़ें हैं, आइटम सॉन्ग भी है, प्रमोशनल सॉन्ग जैसे हम शूट कर रहे हैं आज, बहुत अच्छा है, और स्टोरी में चेंजेस है काफ़ी, मतलब सारे सेट्स हैं, तो उस हिसाब से पब्लिक को बहुत इंटरटेन करेगी, इसलिए पब्लिक जाएगी। काफ़ी लेयर्स हैं स्टोरी में, काफ़ी लेयर्स हैं, आप मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे फर्स्ट, आप फर्स्ट हाफ में डिक्लेयर करें कि ये होने वाला, काफ़ी है, तो लोगों को मज़ा आएगा आज। क्या बताइए, पहली बात तो हम लोग सब यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं और यंगस्टर्स का आजकल एरा चल रहा है, तो हाँ मुझे लगता है कि यंगस्टर्स हम लोगों को देख के वो लोग को भी लगेगा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमको काम, हमको इनका काम देखना है, किस तरह का है, सस्पेंस है तो सस्पेंस तो लोगों को अच्छी ही लगती है, सस्पेंस थ्रिलर है तो अच्छी ही लगती है, प्लस सॉन्ग्स है, कैरेक्टर्स है, अलग अलग शेड्स है, हर पल आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, हर समय ऐसा लगेगा अब कुछ होगा बट हर समय डिफरेंट। अरे हमारे सिंगर साहब को तो ऐड कर लेना। अच्छा अनुभव रहा, हालांकि मैं इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2012 में मैंने किसी से म्यूजिक एल्बम से रिलीज़ किए हैं, प्लस 2016 में मैंने गाने यहाँ रिलीज़ करके गया हूँ 5-6, तो बहुत अच्छा इसको मिला। 2016 के बाद में अजय जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे फिल्म के लिए ऐसा ऐसा गाना बनाना है, और म्यूज़िक के बारे में अजय जी का भी इतना अच्छा नॉलेज है कि हमने इस गाने पर कम से कम 2.5-3-4 महीने तो हम लोगों ने साथ में बैठ के डिस्कस किया, प्लान किया कि कैसा गाना होना चाहिए जो यूथ की जवान पर चढ़े, यूथ उसको गुनगुनाए, और अगर बड़े, और अजय जी का एक सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि मुझे हनी सिंह, बादशाह, उन सबको हटा करके वो चीज़ लानी है कि कोई नया बंदा भी आकर के इस लाइन में वो धमाका कर सकता है जिसके लिए स्टाइलिश की जरूरत ना होती। देखिए जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो पिछले 5-6 साल से हम लोग प्रमोशन में कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दोस्ती हो गई। जयपुर में मिस्टर संकल्प पुजारी है, संकल्प ने मेरे को इनसे जब मिलाया तो कहते जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप इनका गाना सुनो, तो इनके मैंने उस दिन मेरे गाने वाने सुने, आवाज़ अच्छी थी, उनकी सेंस अच्छा था, तो यहाँ पर किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओ, उनके नखरे दे लो, ये सब कुछ करो, तो
उससे बेटर था, मुझे लगा कि अगर किसी में कोई टैलेंट है तो उसको भी यूज़ करें, मैं भी नया ये भी नए दोनों नेता से, जब तक आदमी एस्टेब्लिश ना हो तब तक नए हैं। जब गाना अच्छा लगा तो मैंने इनको बोला कि एक गाना आप हमारे लिए बनाओ, हम करते हैं। तो बोले ठीक है, उन्होंने गाना एक बनाया। तो गाना उसमें कई चेंजेस करते रहे, नहीं यार ऐसा चलो, उन्होंने कहा नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसमें ये डालते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो लास्ट में जब गाना बनकर आया, पूरा फाइनल हुआ और पिक्चराइजेशन का सोचा, तो मुझे लगा कि यार इसमें अपने एक्टर्स के साथ साथ मैंने आप भी इसमें एक्टिंग कर, तो मैंने इनको प्रपोज़ किया मैं आप कर लो। तो बोले यार फिल्म का गाना एल्बम होता तो मैं कर लेता, एल्बम में तो ठीक है चल जाए, नहीं है तो बोले ठीक है, ऐसे प्रमोशनल गाना है तो ठीक है चलो मैं कर लेता। तो ये जा सकते शूटिंग की तैयारियाँ की पहले करने वाले थे, लेकिन क्योंकि गाना ऐसा नहीं था जो इंडोर करें तो बारिश की वजह से नहीं कर पाए देखा। और मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा, वॉइस भी इनकी बहुत अच्छी वॉइस है। बाकी मेन तो हमारे अच्छे लगने से नहीं है, मेन चीज़ है वो पब्लिक से है। पब्लिक को अगर चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी है, पब्लिक को अच्छी नहीं लगे तो हम कितना भी अच्छा बनाएं वो अच्छी नहीं है। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आना है वो तो रिलीज पर ही आएगा कि पब्लिक को क्या, हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, प्यार मिलता है या नफरत, वो तो उस समय बताएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म में कितने गाने होने वाले हैं, कौन से सिचुएशन में आएंगे, क्योंकि ये तो प्रमोशनल सॉन्ग है पार्टी। एक्चुअली क्या है कि मेरा जोनर पार्टी का, बेसिकली मेरा जोनर मैं देता हूँ कि इन्होंने मैंने किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर से गाना नहीं लिया, क्योंकि नॉर्मली यहाँ तक मैं मेरी सोच है वो ये कि आदमी की एक सोच होती है वो उसी उस पर चलता है। तो अगर हमें कई फिल्म है कोई एल्बम नहीं है जो एक ही लीक पे चले, तो मुझे हर तरीके के गाने इसमें डालने थे। एक रोमांटिक सॉन्ग है तो एक सेड्यूसिंग सॉन्ग थोड़ा सा है, एक ये प्रमोशनल है, तो तीनों मैंने अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से लिए थे, तीनों के कंप्यूटर से लगे। ये गाना जो है वो इनसे मैंने कराया था। फिल्म में टोटल तीन गाने हैं, तो गाने तीन हैं, मेन जो प्रमोशन पे जाएगा वो ये है। तो इस गाने के बारे में ये ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। एक्चुअली मेरा जोनर ही पार्टी है, तो जब हमारी पार्टी जोनर पर बात हुई तो मैंने अंजलि को कहा कि मैं 100% इतना अच्छा अपने जी जान से बना दूंगा इस चीज़ को, कि मुझे उम्मीद है कि जिस मैं साफ मन से संगीत को पूछता हूँ और जिस साफ मन से मैं संगीत पर काम करता हूँ दिन, तो मुझे लगता है कि मेरी हर चीज़ पब्लिक को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैं पब्लिक की दृष्टि से, पब्लिक की सोच के हिसाब से, पब्लिक में घुस के, यूथ में घुस करके उनको क्या पसंद है उस पर काम करता हूँ। चढ़ गई चढ़ गई आज मुझको, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई आज मुझको, चढ़ गई। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने मूवी में काम नहीं किया है, मैंने सॉन्ग किया है और सॉन्ग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मॉर्निंग से हम लोग लगे हुए यहाँ पे रिहर्सल कर रहे थे और अभी हमारा ऑलमोस्ट सॉन्ग कंप्लीट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और जल्दी से वेट कर रही हूँ कि कब गाना ख़त्म हो गया और कब ये सॉन्ग रिलीज हुआ, हम सब और आप सब लोग देखें। थैंक यू सो मच। I would like to thanks to all of you, first of all, that you guys gave a wonderful opportunity to just let me brief about me. So I would like to thanks to Ajay Bhai because I know him from last 2 years and हम लोग planning कर रहे थे काफ़ी time से कि हम लोग साथ में कुछ work करते हैं, तो this is my debut movie and काफ़ी समय से हम लोग workout थे and फिर finally अप्रैल में हम लोग floor पर गए and बहुत अच्छा experience रहा अजय भाई के साथ काम करने का, बहुत ही अच्छा मज़ा आया। जो भी हम लोगों ने मनोर में परमेल में टाइम स्पेंड किया एंड जो भी यूनिट था, प्रोडक्शन था, सब लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, कैमरा मैन, और बहुत इट इज़ अ रियली वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है कि मतलब अपना टैलेंट कला अपने मीडिया के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से लोगों को दर्शा सकते हैं। एंड रियली मतलब अभी मैं आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि जल्दी से मूवी फ्लोर पे आए और आप सबका, पब्लिक का, जनता का प्यार मिले और आगे भी आप लोग हमें इस तरह से देखते रहे। और आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के चाहता हूँ कि
आपकी शुभकामनाएं इस मूवी में बनी रहे और मेरा करियर भी आगे धीरे धीरे आपकी दुआओं से चलता रहे. तो रियली आई वुड लाइक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. रियली मेरा नाम अदिति है. इस पिक्चर में मैंने अचानक मुझे कॉल आया हरी सर का. थैंक यू सतीश सर, थैंक यू नरेश जी सर, जिनके सपोर्ट से मैं इस मूवी में काम किया. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसमें काम किया. इसके बाद मैं एक्टर डेस्टिनी कर रही हूँ एनटीआर प्रोडक्शन की. इससे पहले मैंने मॉडलिंग किया, मराठी एल्बम किया, एक पंजाबी एल्बम किया बाजी जिंदगी की में मैंने एक कैरेक्टर किया था. विद दैट आई स्टार्टेड माय करियर एंड देन आई डिड हिंदी मूवी नेम नमस्ते बिहार, देन स्वाभिमान. टू मूवीज आर कमिंग ऑन दिस अक्टूबर एंड देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग आउट. सो आई लाइक टू नो अबाउट दैट एंड अबाउट दिस सॉन्ग टुडे. It's really awesome and I really thank Satish sir and Ajay sir for making me a part of this wonderful song and a wonderful team. I'm really glad to work with them and it's really awesome. And now I'm excited as well for the movie also, when it will be releasing, because the story is really unique. Because naam mein hi ek chupa hai suspense, so of course it's really interesting, right? So yeah, आप सबको बहुत पसंद आएगा and let's wait for the best. और आप सबसे ये request करूँगी कि आप सब अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस फिल्म को दें ताकि ये फिल्म बहुत ऊपर तक जाए. So that's all. Thank you so much. मैं फोटो